84 में क्या हुआ था, 84 इंदिरा गांधी, तब कपड़ा दुकान था, तब किसी से नहीं मांगा, आज क्या मांगूंगा, कपड़े के बजाय इसको लगाया। तो क्या क्या चीजें लगाते हैं यहाँ पे? कबाब, मटन चाप, चिकन चाप, भेजा फ्राई, चिकन भुर्जी मसाला। तो ऐसी क्या खास बात है कि रायपुर में लोग इतना पसंद करते हैं आपके कबाब? खा के देखो तो समझ में आएगा, पहले नहीं बोलता, खाओ और जाना। हाँ, तो कबाब कैसे लगाए जाते हैं यहाँ पे? ये 50 रुपए का एक, ये 60 रुपए का, ये 60 रुपए, भेजा 100 रुपए। अच्छा। चिकन भुर्जी मसाला 200 रुपए प्लेट। सरदार जी कैसे सोचा था आपने लगाने का कि कबाब लगाने यहाँ पे रायपुर में? इतना पूछोगे तो घाटे में जाओगे। 84 में क्या हुआ था, 84 इंदिरा गांधी, तब कपड़ा दुकान था, तब किसी से नहीं मांगा, आज क्या मांगूंगा, कपड़े के बजाय इसको लगाया। क्यों नहीं चलेगा, मेहनत करेंगे कभी गलत नहीं हो सकता। आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए ना, दिल्ली करोल बाग, चंदीराम मास्टर। अभी जो कबाब का प्राइस है तो उस टाइम पे जब आपने 84 में लगाया था, कितने का देते थे? 4 रुपए। 4 रुपए का? हाँ। जो पुराने लोग अभी भी आते हैं तो आते हैं अभी भी? हाँ, टेस्ट में फर्क नहीं आएगा, आज आ जाओ, चाहे 10 साल बाद वही टेस्ट दूंगा। अमूल बटर, बटर क्या लग रहा है यहाँ पे? सबसे पहले आ गया अमूल बटर, ये पेस्ट डाल दे। तो मैंने चाप तो बहुत ज्यादा शौकीन नहीं है तो कैसे चलेगा जी? ये ब्लैक पेपर, सी पी और हाँ, प्याज, चटनी, मोहन चाप सेंटर का मटन चाप अंडा यहाँ पे लग चुका है। तो ये इनकी प्लेट जिसमें कि दो चाप रहती है और साथ में दो अंडे डाले जाते हैं, साथ में सर्व किया है प्याज के साथ और ग्रीन चटनी के साथ। और ये पूरे रायपुर में अपने चाप के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो सदा जी टाइमिंग क्या रहती है दुकान की? 7 से 12। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? डेली लगेगा, डेली लगता है, कोई छुट्टी नहीं लगती, कोई छुट्टी नहीं। और एड्रेस बता दीजिए किसको यहाँ पे आना? MG रोड रायपुर, दुकान का नाम बता दीजिए। मोहन सिंह कीमा चाप।